सुबह के 6:30 बजे 6 बजे देखो कितना टाइम हुआ है, अभी 6:15 हुए हैं और सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, मतलब माउंट आबू में जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे खाना कैसे बनता है 14,000 लोगों के लिए, और मतलब कैसे सब्जियाँ कटती है, क्या होता है। तो आपको ये पूरे व्लॉग में सब कुछ देखने को मिल जाएगा आज के व्लॉग में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और गाइज़ ये है हमारे माता जी, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे अकोमोडेशन सेंटर पर, और यहाँ पर ना रेलवे वाला वो है सेक्शन, क्योंकि हमारी ना टिकट्स कन्फर्म नहीं है और हम चेक करवाने आए हैं कि उसके कितने % चांसेज हैं कन्फर्म होने। तो गाइज़ ये व्लॉग में बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज़ यहाँ पे ना सुबह सुबह 6 बजे, अभी सुबह के 6:45 और यहाँ पे ऐसे खाना बनता है, सुबह सुबह सेवा होती है। ये देखो सभी बहनाएँ माताएँ ना यहाँ पे खाना बनाती हैं, इतने बड़े बड़े तवे होते हैं। ये है किचन, सब्जी का डिपार्टमेंट अलग है, खाने का रोटी वगैरह का यहाँ पे है। और ये देखो यहाँ पे मशीन्स पे रोटियाँ ऐसे बिल के आती हैं, पूड़ियाँ बेल। ये है पूड़ी बेलने की मशीन, पूड़ियाँ आती हैं इसमें ऐसे। ये देखो यहाँ पे पूड़ियाँ ऐसे तली जाती हैं इतनी बड़ी कढ़ाई में गर्म तेल में। ये देखो माताएं खाना पैक करती हैं, फिर यहाँ से खाना नीचे जाता है और सर्व होता है। ये देखो सभी यहाँ पे घी लगाती हैं और ये मशीन से खाना बन के आता है, यहाँ पे कोई हैंडमेड काम नहीं होता, सब कुछ मशीन से बनता है। ये देखो आटा डालते हैं, ये देखें ऊपर से आटा डाला, यहाँ से अपने पूरी चपाती बन के निकल के आ जाएगी। लाइन में ना सभी बहनें और भाई बैठे हैं, ऐसे यहाँ से रोटियाँ बिल के आती हैं और फिर आगे जाती हैं। ये देखो और ये डिपार्टमेंट में सभी बहनें और भाई बैठ के ना रोटियाँ बेलते हैं, क्योंकि मशीन से ना पूरा नहीं हो पाता। और जो परांठे वगैरह बनते हैं जैसे आलू वगैरह का या कुछ, तो फिर यहाँ पे बेलते हैं क्योंकि वो मशीन में नहीं बन पाता। इस साइड पे क्या होता है कि यहाँ पे सभी बहनें ना पेड़े बनाती हैं और ये पेड़े जाते हैं बिलने के लिए वहाँ पे। तो गाइस ये है सब्जी विभाग, यहाँ पे सभी बहनें और भाई बैठ के सब्जियाँ काटते हैं। आज पता नहीं किया है, पता नहीं तोरी क्या है, ये कट रहा है और यहाँ पे पत्ता गोभी कट रही है। ने आपको पहले दिखाया कि सब्जियां कटती कैसे हैं, मतलब रोटियां कैसे बनती हैं। अब ये है सब्जी विभाग, मतलब यहाँ पे सब्जियां बनती हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ना, यहाँ पे कटिंग वगैरह कई कई चीज़ों की मशीनों से कटिंग होती है, यहाँ पे सब्जियां धुलती हैं और यहाँ पे बनती हैं। ये देखो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, इसमें ना राइस वगैरह बनते हैं सभी। ये देखो सब्जियां कट होके आ गई हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे प्रिपेयर होंगी बनेंगी। देखो गाइस चावल बन के रेडी हो चुके हैं। दाल धुलने की मशीन है, जैसे लेंटर वाली मशीन होती है ना, गोल गोल घूमती है, वैसे यहाँ पे दाल डाल के ऐसे घुमाई जाती है पानी के साथ, ताकि वो अच्छे तरीके से वॉश वगैरह हो जाए। ढोकले की मशीन, इसमें ना ढोकला रखा हुआ है, मतलब सारा लिक्विड रखा हुआ, अभी इसके अंदर जाएगा और ढोकला बन के बाहर आएगा, फिर उसको पीसीस में कट कर देंगे। ये स्टीमर है, स्टीमर है ना, स्टीमर है ना शायद। A few moments later. यहाँ
गाइस ये देखो, गाइस को पहचान पा रहे हो? ये व्लॉग बनाता है, धूप बहुत ज्यादा, ये सब हमारी माता का किया धर है। हम जो ऐसे बच्चे पागल बच्चे पैदा हुए हैं, पागल की धूप पता कितनी है गाइस, मैं ही हूं, धूप बहुत ज्यादा है, मेरे कुछ नहीं आ रहा गाइस। यस, इसको तो ये रेस्क्यू करना भी पड़ेगा, मैं तो काला ही बहुत है, मेरा नाम बहुत ज्यादा है यहां पे। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा, साथ में पूड़ी और साथ में आलू। ये माता जी, आंटी और बहन, हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और साथ में ये कर्ड है और नमक है। गाइस ये देखो, इसका खाना पीना शुरू हो गया। गाइस अभी हम नारियल पानी पी रहे हैं, पीछे हो थोड़ा, मुंह बड़ा बहुत है तेरा। हम गाइस नारियल पानी पी रहे हैं, अभी नारियल पीने के बाद नारियल की हम मलाई भी खाएंगे, और यही उठा के मैंने इसके सिर पे मारना है। जॉब ऑफ द ईयर। शट अप। अम्मा ठीक हो? अम्मा हमारी बीमार हो जाती है, मम्मी का बुआ के मम्मी की तबीयत खराब हो चुकी है गाइस, मम्मी अपना बीमार वाला मुंह दिखाएं यहां पे थोड़ा सा। इसलिए हम इनको नारियल पानी पिलाने लेके आए हैं, पियेंगे थोड़ा ठीक होएंगे। गाइस दीज आर द रूम्स जो मुझे को भी मिले हैं, और ये बीच वाला बेड मेरा, और साथ वाला कोई और भाई रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और भाई रह रहे हैं। एक रूम में दो या तीन भाई रहते हैं हम, और ये फुली एसी हमारा रूम है, और ये कुछ है हमारे रूम का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर छोटा सा वो लगा हुआ मिरर, ये हमारे बेड्स, और ये हमेशा सिंगल बेड्स होते हैं ताकि सिंगल सिंगल भाइयों को इजी रहे बैठना। 5 hours later. गाइस ये ना अभी रात का सीन है, और रात को देखो यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रीट लाइट्स चल जाती हैं, और ये एवर हेल्दी हॉस्पिटल, यहाँ पे ना जो भी आता है, मतलब यहाँ पे जैसे हम रहने आए हैं तो यहाँ पे सबको फ्री मेडिसिन मिलेंगे, अगर आपको कुछ होता है तो यहाँ पे आपका सारा इलाज फ्री एकदम होता है। और ये देखो तभी लाइन्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलती हैं। और ये देखो गाइस आपको आगे जाके और भी दिखाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, मतलब एक तो ना यहाँ पे सबकी ना वाइट ड्रेस है ना, तो मेरी बहन कहीं गुम हो जाती है, मेरे को पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई, फिर बड़े इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से लड़कियाँ फ़ोन भी नहीं उठाती, आज पता नहीं कैसे इसने उठा लिया। और ये देखो गाइस रश देखो कितना, और ये गाइस यहाँ पे ना मेडिटेशन करने की जगह, आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, पूरा हॉल टाइप बना हुआ है, मतलब ओपन में है, और यहाँ पे भी मेडिटेशन के लिए जगह, आप यहाँ पे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेशन रूम्स भी बने हुए हैं। और ये है कुछ नाइट का व्यू, अभी रात के टाइम ना थोड़ा मौसम यहाँ पे ठंडा हो जाता है। अभी जस्ट मैं रूम में आया था, और आज का व्लॉग आया, होप सबको पसंद आया, तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।